नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं पायल आपका स्वागत करती हूं। आज इंदिरा कॉलोनी वासियों व मृतक साहिल के घर वालों ने साहिल को इंसाफ दिलाने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और रोष प्रकट करते हुए रोहतक प्रशासन व एसपी डीएसपी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। नाराज परिजनों ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन व रोड तक जाम किया जाएगा। आइए अब हम आपको इस दिल दहला देने वाली घटना से अवगत कराते हैं। ये मामला 23 तारीख को साहिल नाम का युवक जो मेरा छोटा भाई था वो 23 तारीख रात 11 बजे घर से गया था 5-10 मिनट घूमने के लिए, जो पूरी रात घर पे नहीं आया। सुबह 24 तारीख 9 बजे फ़ोन आया है पड़ोस से ही, थोड़ी दूर चल के खाली प्लाट में फ़ोन पे बताया कि साहिल नाम का लड़का यहाँ पर बेल्ट डाल के गले में मारा गया है और जंगले पे टांग दिया गया है। छोटा सा जंगला था उसमें टांग दिया गया है। उसके बाद हमने इंदिरा कॉलोनी चौक की जो हमारा एरिया पड़ता है वहाँ पर सूचना दी है। सूचना देने के कुछ देर बाद मुलाजिम वहाँ पर आए हैं, एफएसएल स्पेशलिस्ट रोजदेही अभी मौके पर पहुंची है, सिटी एसएचओ साहब पहुंचे हैं और उन्होंने सबको अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवा करके झूठा आश्वासन दिया है कि हम इसका पोस्टमार्टम करवा करके बाद में आपको इसकी निष्पक्ष जाँच करके देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हम कई दिन के चक्कर काटते रहे, एचओपी सिटी के कोई कार्रवाई नहीं हुई है किसी प्रकार की। उसके बाद हम कुछ दिन पहले ही एसपी साहब की कोठी पर गए थे, सभी मोहल्लावासी इकट्ठे होकर, वहाँ पर भी एसपी साहब नहीं मिले हैं। डीएसपी साहब से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी, आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद सभी ने इकट्ठा होकर के फिर हम प्लान बनाया है कि एसपी साहब से फिर दोबारा मिला जाए, इस मामले की जांच हो, अपराधियों को सजा मिले। ये इसीलिए हम एसपी साहब के पास आए हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। अगर वो हमारी कार्रवाई पे अमल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आगे चल के आंदोलन भी होगा, रोड जाम भी होगा। धन्यवाद।